बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, खुश रहिए, आबाद रहिए और देखते रहिए मेरी वीडियोस। ये तो फ्रेंड्स 30 डेज प्री ब्राइडल स्किन केयर रूटीन में खुश आमदीद कहती हूँ। आज की जो रेमेडी है वो ब्राइड्स को बनाने वाली है बहुत खूबसूरत, विदाउट मेकअप भी गोरी गोरी और निखरी निखरी। ये तो रेमेडी स्टार्ट करते हैं बहुत सिंपल इन्ग्रीडियंट्स के साथ। मैं आज की रेमेडी बना रही हूँ, फेस पैक बहुत ज़बरदस्त एक बोल लेते हैं, और उसमें मैं शामिल कर रही हूँ जौ का आटा। व्यूअर्स, जौ के आटे की अफादियत से तो सब लोग वाकिफ ही हैं। वाइटनिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा, स्किन ब्राइटनिंग, सॉफ्टनिंग प्रॉपर्टीज इसमें पाई जाती हैं। इसमें मैं 2 चम्मच के करीब जो है डाल रही हूँ जौ का आटा। और उसमें जो दूसरी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं बहुत ज़बरदस्त, योगर्ट, दही। दही जो है वो आप जानते ही हो कि उसमें दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है जो स्किन को ब्राइट करता है और स्किन को, कम्प्लेक्शन को जो है वो बहुत ज़्यादा निखारता है। स्किन दही लगाने से सॉफ्ट हो जाती है और बहुत फ्रेश हो जाती है। तो इसको पेस्ट बनाने के लिए हमें इसमें 2 चम्मच के करीब दही यूज़ करनी है और बना लेना है एक स्मूथ सा पेस्ट। इसमें अगर आपको और दही रिक्वायर्ड है तो आप वो भी थोड़ा सा शामिल करके इसका स्मूथ सा पेस्ट बना सकती हैं। ये इतने खूबसूरत जो है फेस पैक है ब्राइड्स के लिए, और बाकी लोग भी इसको यूज करते कर सकते हैं। ब्राइड्स की जो सहेलियां हैं वो भी यूज़ कर सकती हैं, कज़न्स जो ब्राइड्स के साथ जैसे ही डेट फिक्स होती है वो उनके साथ लग जाती हैं कि अब जो है ब्राइड ने तो तैयार होना ही होना है, तो हम लोग भी है अपनी स्किन की केयर कर लें क्योंकि हमने भी तो शादी अटेंड करनी है। तो उन फ्रेंड्स के लिए भी है और उन कज़न्स के लिए भी, वो जो है ये फेस पैक बनाएं, खुद भी यूज़ करें और ब्राइड्स को भी करवाएं, और बहुत ज़बरदस्त स्किन पर ये जब आप 30 डेज डेली जब इसको यूज़ करेंगे तो आप यकीन करें कि इतनी खूबसूरत स्किन हो जाएगी कि आपको शादी के बाद अगर मेकअप नहीं भी किया हुआ ना तो आपकी स्किन बहुत ग्लो करेगी, और इंशाल्लाह ससुराल वाले सब कहेंगे माशाल्लाह बहुत खूबसूरत दुल्हन आई है जी। ये इसका ज़बरदस्त सा पेस्ट जो है वो रेडी हो चुका है, अब इसको मैं कर रही हूँ अप्लाई। जो येलो येलो हल्दी वाले उबटन यूज़ कर करके ब्राइड्स जो है ना वो तंग आई पड़ी होती हैं, तो ये उनके लिए जो है बहुत बेनिफिशियल है। इसको लाइट से मसाज करेंगे और फिर अप्लाई करके इसको रहने देना है। इसको 15 मिनट के लिए जो है आप अपनी स्किन पे अप्लाई करके रखेंगी, उसके बाद आप इस पर थोड़ा सा पानी का शावर करके मसाज करेंगी और इसको उतार देंगी। बहुत हल्के हाथ से मसाज करना है क्योंकि ब्राइड्स की जो स्किन होती है वो डिफरेंट रेमेडीज़ यूज़ कर करके काफ़ी सेंसिटिव हो चुकी होती है, और उसके साथ हम ये रिस्क नहीं ले सकते कि ज़्यादा टाइटली जो है रब करें तो स्किन जो है वो रैश ना हो जाए। तो लाइट से इसको मसाज करना है और इसको कर लेना है वॉश। ये मैं 10 मिनट के लिए रख के इसको वॉश करके आपको दिखाती हूँ जी। तो फ्रेंड्स ये मैंने इसको वॉश कर लिया है और बहुत खूबसूरत स्किन मेरे सामने है। आप लोग इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा अपने इस प्री ब्राइडल पैकेज में, तो मैं भी आप लोगों के साथ ही यूज़ कर रही हूँ। आप लोग दुल्हन बनोगी और मैं भी उस वक्त तक दुल्हनों जैसी नीट एंड क्लीन एंड खूबसूरत वाइट स्किन की मालिक बन चुकी होंगी इंशाल्लाह। तो वीडियो पसंद आए, मेरी रेमेडी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब रखिए, दुआओं में याद रहिए, हमेशा अल्लाह के अमान में।